हेलो एवरीवन, 8 पोएम चल रही थी डांस ऑफ द यूनक्स, और ये पोएम कमला दास ने लिखी है। इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हम ये जो पोएटस है कमला दास, इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनकी अर्ली लाइफ, उनके वर्क, उनका लिटरेरी करियर, वो सब डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम करेंगे, डांस ऑफ द यूनक्स। ये जो पोएम है, इस पोएम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द डांस ऑफ द यूनक्स इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन समर इन कलकत्ता। ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, किस में इंक्लूड थी? पोएम्स का एक कलेक्शन था कमला दास की, समर इन कलकत्ता, इस कलेक्शन में ये पोएम इंक्लूड थी। और ये जो कलेक्शन है कब आता है? 1965 में, ये कलेक्शन 1965 में आता है। दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। और ये जो पोएम है किस टाइप की पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल। अभी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती क्या है? एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज पर्सनल। जो इस टाइप की पोएम होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिगत, यानी उस पोएम के माध्यम से जो पोएट होता है वो क्या करता है? अपनी खुद की, यानी पर्सनल जो भी इमोशंस हैं या कुछ इंसिडेंट है उसको क्या करेगा? उजागर करेगा, उसके बारे में बताएगा। इट रिवील्स समथिंग अबाउट द पर्सन राइटिंग द पोएम। वो उजागर करता है उस पर्सन के बारे में जो ये पोएम लिख रहा है, उस पर्सन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्या कर रहा है? रिवील करता है, उजागर करता है। नेक्स्ट, कमला दास कंपेयर्स हर ओन कंडीशन विथ यूनक्स। लाइक यूनक्स शी इज ऑल्सो लुक डाउन बाय द मैंस वर्ल्ड। अब कमला दास है, इसमें इस पोएम में ऑटोबायोग्राफिकल टच कैसे है? देखिए, ये जो पोएटस है कमला दास, वो कंपेयर करती है अपनी कंडीशन है, जो कमला दास की कंडीशन है। कमला दास कंपेयर्स हर ओन कंडीशन, कमला दास की जो कंडीशन है किसके साथ कंपेयर करती है? वो विद यूनक्स, हिजड़ों के साथ अपनी कंडीशन को कंपेयर करती है। लाइक यूनक्स शी इज ऑल्सो लुक डाउन बाय द मैंस वर्ल्ड। कि जैसे यूनक्स हैं, जो हिंजड़े हैं, उनको इस समाज के द्वारा क्या किया जाता है? निम्न दृष्टि से देखा जाता है, उनको निम्न समझा जाता है। उसी प्रकार जो औरतें हैं उनको ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें निम्न दृष्टि से समझा जाता है। जो पुरुष हैं उन्हीं को अधिकार होता है हर फैसले लेने का, और औरतों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें सिर्फ घर के कामों में, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, इन सब के लिए माना जाता है। तो औरतों को वो दर्जा प्राप्त नहीं होता। उसी तरीके से जो यूनक्स हैं उनको भी समाज में वो दर्जा प्राप्त नहीं होता, तो वो अपनी कंडीशन को क्या करती है? यूनक्स की कंडीशन के साथ कंपेयर कर देती है। थ्रू हर पोइट्री शी एक्सप्रेस हर एंगर एंड रेबलियन अगेंस्ट मैंस वर्ल्ड वेयर वुमेन आर स्ट्रगलिंग। अब इस अपनी पोइट्री के माध्यम से शी एक्सप्रेस, वो क्या एक्सप्रेस करती है? हर एंगर, अपना गुस्सा, एंड रेबलियन और विद्रोह, अगेंस्ट मैंस वर्ल्ड वेयर वुमेन आर स्ट्रगलिंग। और किसके विरुद्ध? ये पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पे औरतें क्या कर रही हैं? स्ट्रगल कर रही हैं। औरतें क्या कर रही हैं? स्ट्रगल कर रही हैं। उसके विरुद्ध क्या करती है? अपना गुस्सा और अपना विद्रोह प्रकट करती है। औरतें पुरुष प्रधान समाज में क्या कर रही हैं? संघर्ष करती हैं। तो इन सब के विरुद्ध क्या कर रही है कमला दास? अपना गुस्सा और विद्रोह उजागर करती है, प्रकट करती है। नेक्स्ट देखिए,
कमला दास इज नोन एज अ कन्फेशनल पोएटस। कमला दास है उनको किस तरह के पोएटस माना जाता है? कन्फेशनल। वो हर जो चीज़ उनकी लाइफ में घटित होती है, चाहे वो पर्सनल है या जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है उनसे रिलेटेड हो जाए, वो सब क्या करती हैं? उजागर कर देती हैं। हर टॉपिक, हर चीज़ जो हम बोलने में भी हिचकिचाते हैं, उन सब को अपनी पोइट्री के माध्यम से क्या करती है? लोगों के सामने उजागर करती है। तो कमला दास को कन्फेशनल पोएटिस कहा जाता है। कमला दास सिंबॉलिकली पोर्ट्रेज हर पर्सनल मेलनकली इन हर ओन लाइफ थ्रू दिस पोएम। अब कमला दास सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से पोर्ट्रेज चित्रण करती है हर पर्सनल अपना व्यक्तिगत जीवन में जो भी उदासी थी इन हर ओन लाइफ, जो उनकी खुद की ज़िंदगी में क्या थी, उदासी भरी हुई थी, वो सब अपनी जो कविता है उसके माध्यम से क्या करती है? प्रेजेंट करती है, लोगों के सामने चित्रण कर रही है प्रतीकात्मक रूप से। दिस पोएम हैज़ नो स्टैंजास। ये जो पोएम है, इस पोएम के कोई भी स्टैंजास नहीं है। इस पोएम में पर्टिकुलर कोई स्टैंजास नहीं है, यानी ये नहीं कह सकते ये 2 स्टैंजास में डिवाइड है, 3 में 4 में। इस पोएम के पर्टिकुलर कोई स्टैंजास नहीं है, ये कंटिन्यूसली लिखी गई है। थीम ऑफ द पोएम, और इस ये जो पोएम है, इस पोएम की थीम क्या है? यूनक्स फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। यूनक्स की निराशा और उनकी बेबसी। इस पोएम में जो हिंजड़े हैं उनकी बेबसी और जो निराशा है वो दिखाई गई है, उसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम का फॉर्म क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव पोएम, इसको हम वर्णात्मक पोएम कह सकते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव पोएम इज वन दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, वेदर इट बी अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, ऑफन इन डिटेल रैदर देन टेलिंग अ स्टोरी। अब जो डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं, देखिए। दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसमें उसको उसकी व्याख्या करना, वेदर इट बी, चाहे वो पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो, उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, ऑफन इन डिटेल, और डिटेल में हर पॉइंट को प्रेजेंट करना, डिटेल में उसका वर्णन करना, रैदर देन टेलिंग अ स्टोरी, किसी कहानी की तरह कहते हुए नहीं। जैसे नैरेटिव पोएम होती है, नैरेटिव पोएम में क्या होता है, एक कहानी बताई जाती है, जो नैरेटर होता है वो कहानी को क्या करेगा, आगे बढ़ाता जाएगा। नैरेटिव पोएम में वो होती है, कहानी बताई जाती है। और जो डिस्क्रिप्टिव पोएम जो होती है उसमें क्या होता है, वर्णन होता है, वो चाहे पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर सिचुएशन, डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया जाता है बजाय किसके, कहानी बताने के। नेक्स्ट, दिस पोएम डिस्क्राइब द एटमोसफियर ऑफ अ हॉट टॉर्चर्ड स्टेराइल एंड बैरन वर्ल्ड थ्रू सिंबल्स एंड इमेजेस। अब ये जो पोएम है इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, किसका वर्णन है? द एटमोसफियर ऑफ अ हॉट टॉर्चर्ड। एटमोसफियर दिखाया गया है, एक एटमोसफियर प्रेजेंट किया गया है, कैसा? हॉट, गर्म है, टॉर्चर्ड स्टेराइल एंड बैरन, एक ऐसा एटमोसफियर प्रेजेंट किया गया है जो बहुत गर्म है और कैसा है, बंजर। वर्ल्ड थ्रो सिंबल्स एंड इमेजेस, और ये जो चीज़ें हैं किसके माध्यम से व्यक्त की गई हैं, सिंबल्स प्रतीक हैं और एंड इमेजेस, और इमेजेस के माध्यम से। इसमें यूनक्स सिंबल्स हैं किसके, बैरननेस के,
किसके हैं, बैरननेस के, कि वो बच्चा पैदा करने में क्या है, असमर्थ हैं। तो उनका, उनको किन का प्रतीक बताया गया है, बैरननेस, अनप्रोडक्टिवनेस। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट किया गया है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, द पोएटस ऑब्जर्व द डांस ऑफ द यूनक्स एंड पोर्ट्रेड इट यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, देयर डांस रिफ्लेक्ट्स द एम्प्टीनेस ऑफ देयर लाइव्स। अब जो पोएटस है कमला दास, ऑब्जर्व्स द डांस ऑफ द यूनक्स, जो यूनक्स डांस करते हैं उनको, उनके डांस को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, अच्छे से देखती है, एंड पोर्ट्रेस इट, और उसका चित्रण करती है यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए। देयर डांस रिफ्लेक्ट्स द एम्प्टीनेस ऑफ देयर लाइफ, और जो उनका डांस है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एम्प्टीनेस, खालीपन जो उनकी ज़िंदगी में है उसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है, उजागर कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में वो यूनक्स की जो कंडीशन है, जो लाइफ में, उनकी लाइफ में कंडीशन है इस दुनिया में, वो सब पोर्ट्रे कर रही है, चित्रण करती है कमला दास। देयर लाइफ इज़ फिल्ड विद मेलनकोली, और जो यूनक्स की लाइफ है वो किससे भरी पड़ी है, उदासी से। यूनक्स की लाइफ में सिर्फ क्या है, उदासी। नेक्स्ट, दिस पोएम कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब ये जो पोएम है, इस पोएम को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस पोएम के कोई स्टैंजास नहीं है, पर जैसा हम पढ़ते हैं उसके माध्यम से हम इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाया गया है, द पोएटस प्रेजेंट्स द थिंग्स विच यूनक्स यूज टू अट्रैक्ट द पीपल। जो पोएटस है वो प्रेजेंट कर रही है, क्या प्रेजेंट करती है, कि जो चीज़ें यूनक्स यूज़ करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने किस तरह से मेकअप किया है और क्या पहना है, क्या गहने पहने हैं, और किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं जो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं यूनक्स। वो सब चीज़ें फर्स्ट पार्ट में, इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई हैं। और इस पोएम का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पोएटस है वो क्या दिखाती है, इन दिस पार्ट द पोएटस टॉक्स अबाउट यूनक्स बैरननेस, एम्प्टीनेस एंड मेलंकली इन देयर लाइफ्स। इस पार्ट में पोएटस किसके बारे में बात करती है, अबाउट यूनक्स, जो यूनक्स हैं हिंजरे, उनकी लाइफ में बैरननेस, जो भी बंजरपन है, एम्प्टीनेस, खाली है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ज़िंदगी में खालीपन भरा पड़ा है, एंड मेलंकली, उदासी उनकी ज़िंदगियों में, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करती है पोएटिस। और जो थर्ड पार्ट है इस पोएम का, उसमें क्या दिखाया गया है, द रेन वॉज ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स। इस पोएम के लास्ट में दिखाया जाता है कि बारिश होती है बहुत तेज से, क्या होती है, बारिश आने लग जाती है, और वो बारिश है उसको ब्लेसिंग, एक वरदान के रूप में भी देखा जा सकता है, और एक कर्स के रूप में भी, अभिशाप के रूप में भी। अब वरदान कैसे, कि हमने स्टार्टिंग में देखते हैं पोएटस क्या करती है, वो प्रेजेंट करती है एक एटमॉस्फेयर, वो बताती है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, बहुत ही गर्म है, तो जो एटमॉस्फेयर गर्म है तो अचानक बारिश होगी तो मौसम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा लोगों के लिए, कैसा होगा वो, सुहावना मौसम, और ये किस तरह से देखा जा सकता है, ब्लेसिंग, एक वरदान के तरीके से। और कर्स कैसी होगी वो बारिश, जो हिंजड़े हैं वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, वो नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, उसी से उनका क्या होता, उन पैसे मिलते हैं,
यूनक्स को क्या मिलते, लोगों से पैसे मिलते। वो नाच के क्या कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। और अचानक बारिश हो जाती है तो क्या है, उनका नाच गाना रुक जाता है। तो इस सब में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यूनक्स के लिए तो ये क्या होगा, कर्स, अभिशाप हो जाएगा। तो इस पोएम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट में जो भी उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है यूनक्स ने, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, मेकअप जो भी है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सब दिखाया गया है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यूनक्स की लाइफ में जो उदासी है, खालीपन है, बांझपन है, वो सब दिखाया गया है। यानी यूनक्स की कमियां उजागर की गई हैं, ये सब दिखाया गया है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बारिश आ जाती है, जो एक ब्लेसिंग के रूप में भी देखी जा सकती है और एक कर्स के रूप में भी। तो ये पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम को हम डिटेल से लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस पोएम को लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे डिटेल से। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।